भागलपुर नगर निगम वार्ड संख्या 4 स्थित एसएस बालिका इंटर स्तरीय विद्यालय में मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा में छात्राओं ने खुलेआम नकल की। एक एक बेंच पर छह छह छात्राएं बैठकर गणित की परीक्षा दे रही थीं। वहीं कुछ छात्राएं जमीन पर बिछी दरी पर बैठकर परीक्षा देती नजर आईं। अधिकांश छात्राएं घर से लिखकर गणित की कॉपी लाई थीं, जिससे वो नकल करती हुई दिखी। इतना ही नहीं, कई छात्राओं के पास गणित विषय के गेस्ट पेपर भी नजर आए। वहीं विद्यालय की प्राचार्य माधुरी सिन्हा ने छात्राओं द्वारा नकल किए जाने की बात से ही इनकार किया। देखिए तस्वीरें, क्या इस तरह एग्जाम होते हैं और क्या मैट्रिक से पहले इस तरह का सेंटअप टेस्ट दिलवाया जाता है। क्या इससे बच्चों के मैट्रिक की परीक्षा पर असर नहीं पड़ेगा, उनके नतीजों पर असर नहीं पड़ेगा? अगर अभी से ही ये बच्चे नकल करके सेंटअप परीक्षा दे रहे हैं तो फाइनल में इनकी स्थिति क्या होगी, ये आसानी से समझा जा सकता है। परीक्षा चल रही है, किस चीज़ की परीक्षा है? सेंटअप टेस्ट है। बैठे हुए हैं सर, जगह कमी है, यहाँ रूम की कमी है, रूम ही नहीं। अच्छा। 1200 बच्चा है, 8-10 रूम है, डेस्क नहीं है। बच्चे लोग सर देख रहे हैं, सिर्फ कॉपी ओपी लेके सर बैठे ना, वो तो सपोर्ट के लिए रखा है कॉपी खाली, नीचे पतला कॉपी है ना, सेंटअप टेस्ट है। एक रूम में 150 के लगभग बच्चे जगह रहेगा, तब जितना जगह है उसी में बैठाए हैं हम। सरकार अधिकारियों से आप इसकी शिकायत नहीं किए हैं? क्या शिकायत करें कि यहाँ जगह की कमी है? जगह की कमी तो है ही, बार बार लिखा जा रहा है, तो जो जगह जितना है उसी में काम कर रहा है, तो जगह नहीं बनेगा। बच्चियाँ नहीं, कहीं नहीं वहाँ रूम में आप चलिए, आपको दिखा देते हैं।